नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग वीडियो ऑनलाइन नहीं देखते हैं और सेव करके रख लेते हैं, तो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है पिछले वीडियो पर, यानी कि जो बौद्ध धर्म वाला वीडियो था उस पर जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, तो मुझे अच्छा मतलब लगा कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और उस पर अमल भी किया। ठीक है, सभी लोगों का इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया कि आपने मेरी बात को ऐसे ही नहीं जाने दिया, इग्नोर नहीं किया, मेरी बातों का मेरी भावनाओं का सम्मान किया आपने। इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। आप थोड़ा सा मेरा ध्यान रखिए और मैं आपका ध्यान रखता हूं, तो इस तरह से हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी अपनी श्रृंखला को, यानी कि धार्मिक आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं और बौद्ध धर्म के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जितना बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है उससे बिल्कुल कम नहीं जैन धर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, यहां पर एक एक शब्द एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरा लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूं, और एक एक चीज को इस तरीके से नोट करना है ये समझ के कि यही जो शब्द है ना ये अपने आप में एक प्रश्न है। और आप यकीन मानिए जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करेंगे तो आपको इस बात का एहसास भी होगा कि हाँ वास्तव में सर जी ने सही कहा था। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करने का बार बार प्रयास करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज जैन धर्म की। ठीक है, स्पेशली जैन धर्म आपको आज पढ़ना है धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत, तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इनको यापनी भी कहा गया है, श्वेत पट भी कहा गया है, निर्ग्रंथ भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, यापनी, श्वेत पट और निर्ग्रंथ, ये जैन धर्म के दूसरे नाम है या अन्य नाम है। ठीक है, यापनी को एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जैन धर्म को अन्य किस नाम से जानते हैं या निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, तो वो यापनी है। ठीक है, यापनी, श्वेत पट, निर्ग्रंथ, ये तीन शब्द हैं या इसके तीन अन्य नाम हैं जैन धर्म के। ठीक है, और जो जैन शब्द है, ध्यान रखिए, जैन शब्द है वो आया कहां से है, वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, किससे, जिन शब्द से, और जिन का अर्थ क्या है, विजेता। ठीक है, तो जिन जैन धर्म में शब्द कहां से आया है, जिन शब्द से आया है और जिन का अर्थ क्या है, विजेता होता है। ठीक है, और जो जैन महात्मा थे, जैन महात्माओं ने महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है, जो निर्ग्रंथ ना इसका मतलब क्या है, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है, और निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, यानी कि जो किसी बंधन में ना बंधा हो उसे कहा गया है निर्ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, तीर्थंकर कहा गया है, और अब तक कुल मिलाकर के जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हैं, 24 हुए हैं। ठीक है, 24 में कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है, ऋषभ देव हैं, और 22 में कौन है, अरिष्ट नेमी है। ठीक है, ये नाम क्यों बता रहे हैं, ये दो नाम इसलिए बताए हैं, प्रथम और 22 में जो तीर्थंकर हैं, यानी कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी हैं, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो वो है प्रथम ऋषभदेव और 22 में है अरिष्ट नेमी, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद 23 में कौन है, पार्श्वनाथ है, और 24 में कौन है, महावीर स्वामी जी हैं, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने वास्तव में जैन धर्म की स्थापना की थी, किसने, महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो आज हम दो तीर्थंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक 23वें यानी कि पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 23वें जो तीर्थंकर हमारे हैं कौन है, पार्श्वनाथ। ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, यानी कि वाराणसी में। काशी
कासिम हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन इनके पिता का नाम था, जो कि काशी के राजा थे उस समय, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? वामा था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? इनको 83 दिन की तपस्या के बाद कहां पर? संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कहां पर? संवेद पर्वत पर। संवेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस पर्वत पर? संवेद पर्वत पर इनको 83 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? इनके अनुयायियों को चातुर्यान, ठीक है। इनके अनुयायियों को चातुर्यान शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब चातुर्यान शिक्षा क्या होती है? सत्य, अहिंसा और अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। यानी जो जैन धर्म के अनुयायी थे या पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, उनको एक शिक्षा दी जाती थी और उसका नाम था चातुर्यान शिक्षा, ठीक है। और चातुर्यान शिक्षा में क्या चार चीजें शामिल थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। तो सत्य का मतलब आप समझिए कि झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा का मतलब क्या है? कि जीव जंतुओं पर हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा का मतलब क्या है? जीव जंतुओं पर हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति नहीं रखना है। दोस्तों ये जो शब्द आपके लिखे ना चारों, ये कभी कभी जो शब्द ही पूछे जाते हैं, कभी कभी इनका मतलब पूछ लिया जाता है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति न रखना। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी न करना। अहिंसा का मतलब क्या है? जीव जंतुओं पर हिंसा न करना, ठीक है। तो ये इनके जो है अनुयायी थे, उनको ये चातुर्यान शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो जैन धर्म है, ठीक है, जो जैन धर्म है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो खारवेल, खारवेल कौन थे? ये कलिंग के नरेश थे। खारवेल कौन थे? कलिंग के नरेश थे। और खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। आपने बहुत सुना होगा, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका है? ये खारवेल का है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख में जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कि हाँ जैन धर्म था। कैसे मिलता है? मिलता ऐसे है कि खारवेल ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था। किस पर? मगध पर आक्रमण किया था। कब? खारवेल ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया था। इस बात का अभिलेख इनके हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म अस्तित्व में था, ठीक है। ये पहला इनका अभिलेखी साक्ष्य है जो कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। चलिए ये तो हो गई बात पार्श्वनाथ के बारे में, इतनी बात है इनके बारे में। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी की, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। और जो कुंड ग्राम का था, ये वज्जी संघ का गढ़ राज्य था, ठीक है। तो कहां पर? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातृक कुल के प्रधान थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शिना। और इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली, ठीक है। पत्नी त्रिशला, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिना और दामाद जमाली थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, यानी कि घर त्याग दिया था, ठीक। जब घर त्याग दिया तो जाकर के जंगल में तपस्या करने लगे। तो 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद क्या हुआ इनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको जरम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर स्वामी को। रिपीट कर रहा हूं एक बार इनको।
12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार पांच चीजें प्रश्न ही है। कहाँ पर किस कितनी तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। किस आयु में? 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? जरम्बिक ग्राम के समीप। किस नदी पर? ऋजुपालिका नदी पर। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो ये क्या कहलाए? इनके नाम बदल गए, इनको जिन, केवलिन और निर्गणित भी कहलाए। ठीक है, तो जो केवलिन ही तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महावीर स्वामी को और किन नामों से जाना जाता है, तो जिन, केवलिन और निर्गणित के नामों से भी इनको जाना जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको इन नामों से भी जाना गया या ये भी कहलाए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना प्रथम उपदेश दिया। कहां पर? राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और इनका जो प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद ही था, और इसका नाम था जमाली। ठीक है, इनका जो प्रथम शिष्य था जमाली था। ठीक है, और जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंदना थी। ये चंदना कौन थी? ये थी चंपा नरेश ददीवाहन की पुत्री। ठीक है, ददीवाहन कौन थे? ये चंपा के नरेश थे, इनकी पुत्री थी चंदना, जो कि प्रथम महिला भिक्षुणी थी। किसकी? महावीर स्वामी की। इनके समकालीन शासक कौन कौन, यानी कि उस समय के शासक कौन कौन थे जो शासन कर रहे थे? काफी सारे थे, मैं प्रमुख की बात कर रहा हूं कि प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन और चंड प्रदोत। चार शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रदोत। आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में यह था कि गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन से थे, तीन मैंने बताए थे, याद करिए कौन कौन। एक तो बिंबिसार थे, एक उदयन था और एक प्रसेनजीत था। ठीक है, बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत, ये तीन शासक इनके समकालीन है गौतम बुद्ध के, और ये चार किसके समकालीन है? महावीर स्वामी के। चलिए, इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। कहां पर? पावा में। किस अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी पावा में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पावापुरी भी कहीं लिखा मिलता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी शिक्षा है, उन्होंने शिक्षा दी है, वो त्रिरत्न के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी थे, तो यहाँ पर भी त्रिरत्न है। ठीक है, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, कभी कभी तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनका मतलब पूछ लिया जाता है, सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन क्या है? सत्य में विश्वास करना। ठीक है, यानी सत्य में विश्वास करना क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है? शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, यानी कि ऐसा वास्तविक ज्ञान जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका ही ना हो। और सम्यक आचरण क्या है? यानी कि सुख दुख में समभाव, अगर सुख भी आ जाए या दुख भी आ जाए तो किसी प्रकार का ज्यादा आप जो है वो ना करें, मतलब समान भावना रखना। ठीक है, और क्या, देखिए जो सम्यक आचरण है इसके लिए पंच महाव्रत का सिद्धांत, यानी कि पंच महाव्रत बताए गए हैं। जो सम्यक आचरण है इसको लागू करने के लिए, इसको समझने के लिए, या इसको जो है सुख दुख में संभाव रखने के लिए, इस पर अमल करने के लिए पंच महाव्रत बताए गए हैं। और पंच महाव्रत है क्या? पंच महाव्रत में चार चीजें तो यही है, यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, और पांचवी चीज है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य कब जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया महावीर स्वामी के काल में। ये पंच महाव्रत में चार चीजें वही है जो यहां पर थी, यानी कि पार्श्वनाथ के काल में, पांचवी चीज जोड़ी गई ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के काल में, और यही परीक्षा में पूछा जाता कि पंच महाव्रत में पांचवा जो महाव्रत है वो कौन है और किसके काल में जोड़ा गया, तो वो है ब्रह्मचर्य, और इनके काल में ये जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो पंच महाव्रत था उसका पालन कौन करता था? जो वास्तव में शुद्ध जैनी थे, यानी जो वास्तव में जैन धर्म को मानने वाले थे, स्ट्रिक्टली कठोरता पूर्वक उसका पालन करते थे, वो लोग करते थे पंचव्रत का पालन। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी थे, यानी कि वो गृहस्थ जीवन में थे और गृहस्थ जीवन को चलाते हुए साथ में जैन धर्म को भी मानते थे। ठीक है, और जो पंच महाव्रत खा लेते
तो ये ग्रस्त जीवन से बिल्कुल निर्मुक्त थे, मतलब कि टोटली ये पूरा जैन धर्म को ही मानते थे, उनके सिद्धांतों को, उतने रीति रिवाजों को, उनके नियम कानून को एकदम से पूरी तरीके से फॉलो करते थे, वो भी एकदम कठोरता के साथ। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन के साथ हैं और वो जैन धर्म को मानना चाहते हैं, तो इन्हीं पंच महाव्रतों को एक दूसरा नाम दिया गया, उनका नाम था पंच अणु व्रत। ठीक है, देखिए यही है सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यही पंच महाव्रत है। लेकिन इनको थोड़ी सी नरमी दे दी गई, इनमें थोड़ी सी कठोरता में कमी लाई गई, ताकि लोग गृहस्थ जीवन में रह करके भी इन सब का पालन कर सकें, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया, पंच अणुव्रत कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, पंच महाव्रत यानी कि पूरी कठोरता के साथ, और पंच अणुव्रत यानी कि कठोरता में कमी, थोड़ा सनर्वी बरत गई ताकि ग्रस्त जीवन में रहकर के भी जैन धर्म का पालन किया जा सके। ठीक है, तो ये था अंतर। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर। ठीक है, देखिए ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, इसको समझने का प्रयास करिए। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हर परीक्षा में पूछा जाता था कि अनेकादवाद क्या है, स्यादवाद क्या है। ठीक है, ये समझिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए हुआ क्या कि महावीर ने क्या किया, महावीर स्वामी जी ने वेदों की प्रमाणिकता को नहीं माना, यानी कि वेदों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने वेद को नहीं माना कि वेद कुछ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने नहीं माना, और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध, यानी जो भी धर्म थे और जो भी सामाजिक जो रूढ़ियां थी, पाखंड थे, जो भी ये थे, उन चीजों को बिल्कुल नहीं माना, उनका विरोध किया, और आस्तिकों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, ना ही आस्तिक रहे ना ही नास्तिक रहे। ठीक है, ना ही कैसे रहे, ना ही आस्तिक थे ना ही नास्तिक थे, तो इन दोनों के जो एकांतिक मतों को छोड़ करके बीच का रास्ता अपनाया, और उसे ही कहा गया अनेकादवाद या फिर स्यादवाद। ठीक है, यानी कि ना तो उन्होंने आस्तिक की चीजों को माना, जो लोग भगवान विश्वास करते थे उनको भी नहीं माना, और जो भगवान विश्वास नहीं करते थे उनको भी नहीं माना, यानी कि आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो एकांतिक मार्ग, जो मार्ग था उनका, उनको छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया, और इसी मार्ग को, इसी चीज को कहा गया है अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद। ठीक है, यानी कि किसी के मार्ग को ना मानना, किसी के धर्म को ना मानना, किसी चीजों को ना मानना, बीच का रास्ता अपनाना, इसी को कहा गया है अनेकांतवाद या स्यादवाद। ठीक है, और चूंकि इसमें सात क्रमिक पद थे, तो सात क्रमिक पदों के कारण को सप्तभंगी ने भी कहा गया, इसलिए यहां पर तीन नाम लिखे, अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी ने। तो यहां पर आप समझ गए हैं कि क्यों कहा गया, आस्तिकों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का रास्ता अपनाया, और इसलिए इसको अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है, और सात क्रमिक पदों के कारण इसको सप्तभंगी ने भी कहा गया। ठीक है, ये यहां से प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि अनेकांतवाद क्या है या किस धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद या स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या है, खास खास बातें क्या है। तो इन्होंने जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद में ये विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद भी इसमें, यानी कर्म के आधार पर फल मिलता है, इसमें विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, और कहा कि कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। ठीक, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म और मृत्यु होगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरी जन्म और बुरा मृत्यु होगा। और अहिंसा पर उन्होंने विशेष बल दिया कि अहिंसा नहीं करनी है, किसी को जो है सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। ठीक है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है, और संलेखना पद्धति को अपनाया। ठीक है, ये संलेखना पद्धति क्या है, संलेखना पद्धति क्या है कि जो है जब उपवास के द्वारा या व्रत के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है उसे कहा जाता है संलेखना पद्धति। ठीक है, यानी कि हम इतना उपवास रहेंगे, मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, व्रत है, उपवास है, और वो उपवास तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा शरीर प्राणों को त्याग नहीं देता है, इसे कहा जाता है संलेखना पद्धति, जिसका वर्णन हमको जैन धर्म के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेल गोला में इसी संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये श्रवणबेल गोला कहां पर, ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता, ध्यान रखिएगा, संलेखना पद्धति के द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। और जो ये जैन धर्म था, ठीक है, तो महावीर ने यानी महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही इस संघ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, क्या हुआ, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना कर दी थी और इसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे, यानी कि 11 अनुयायी उनके अनुयायी थे। ठीक है, तो 11 अनुयायियों को मिलाकर के उन्होंने क्या किया, संघ की स्थापना कर दी और इन अनुयायियों को कहा गया गणधर। ठीक है, अनुयायियों को क्या कहा जाता था, गणधर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ, आप नोट करिए आराम से। ठीक है, तो जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, गणधर कहा गया। और फिर क्या हुआ कि ये जो 11 अनुयायी थे इनमें 11 में से 10 अनुयायियों की मृत्यु हो गई, सिर्फ एक बचा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, महावीर स्वामी की भी मृत्यु हो गई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो संघ का प्रथम अध्यक्ष बना वो बचा बना था सुधर्मन। कौन, सुधर्मन। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 अनुयायियों में से 10 की मृत्यु हो गई थी, एक बचे थे सुधर्मन। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो वो थे सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन को संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब जिस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियां वहां पर हुई थी बौद्ध धर्म में, इसी प्रकार से जैन धर्म में भी 2 जैन संगीतियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम जो जैन सभा है, ठीक है, वो संगीतियां थी, ये सभा है, ध्यान रखिएगा, वो बौद्ध संगीतियां थी, ये जैन संगीतियां नहीं है, ये क्या, ये जैन सभाएं हैं। ठीक है, तो जो प्रथम जैन सभा हुई वो कहां, कब हुई है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये हुई है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। और इस प्रथम जैन सभा का उद्देश्य क्या था कि इस जैन सभा में जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो जो श्वेतांबर बने यानी जो श्वेतांबर लोग थे वो किसके अनुयायी थे, वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, और इन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो दिगंबर थे ये भद्रवायु के अनुयायी थे और ये वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे और भोजन का ये त्याग कर दिया, भोजन ये नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि उसी दौरान मगध में अकाल आया, समझ रहे ना, मगध में क्या हुआ, अकाल आया, तो जो श्वेतांबर लोग थे स्थूल भद्र के अनुयायी थे ये लोग तो मगध में ही बने रहे, लेकिन जो दिगंबर धर्म को जैन संप्रदाय को मानने वाले थे भद्रवायु के अनुयायी थे ये कहाँ चले गए, ये कर्नाटक चले गए। ठीक है, कर्नाटक जाके रहने लगे, फिर जब यहाँ पर मगध में अकाल समाप्त हो गया तो फिर ये हालांकि वापस आ गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अकाल की, मगध में अकाल की वजह से लोग कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, और दिगंबर कौन है, भद्रवायु के अनुयायी है और ये नग्न अवस्था में रहते हैं, भोजन का त्याग करते, भोजन ये नहीं करते हैं। श्वेतांबर कौन है, स्थूल भद्र के अनुयायी है और ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये इतनी बात हुई थी कब, प्रथम जैन सभा में। इसके बाद द्वितीय जैन सभा, ये 513 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ये 300 ईसा पूर्व है और ये 513 ईस्वी है, कहां पर हुई है, बल्लभी यानी कि गुजरात में हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि इसी जैन सभा में, द्वितीय जैन सभा में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म की साहित्य की भाषा थी वो कौन सी थी, अर्ध मागधी भाषा थी, जबकि बोलचाल की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। ठीक है, यानी कि साहित्य की भाषा अर्ध मागधी और बोलचाल की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, इसके बाद कुछ जो ये तीर्थंकर हुए हैं इनसे संबंधित कुछ प्रतीक हैं, यानी कि ये तीर्थंकर हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रतीक हैं, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक है वृषभ, शांतिनाथ से संबंधित है हिरण, पार्श्वनाथ से संबंधित है सर्प फण, और महावीर से संबंधित है सिंह। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जो है
जैन धर्म को करते हैं समाप्त, और जितनी मैंने चीजें मैं फिर से बोल रहा हूं, एक भी लाइन एक भी शब्द यहां पर बिल्कुल फालतू नहीं है, हर लाइन हर शब्द अपने आप में प्रश्न है, ठीक है। और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से भी, जैन धर्म से भी, इसलिए इन धार्मिक आंदोलन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो भागवत है, शैव है, ठीक है, उनको हम नहीं आपको पढ़ाएंगे क्योंकि प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार एक आ गया तो आ गया, ठीक है। हमारा फोकस ये है कि हम उन टॉपिक को ज्यादा टच करें, उनको अच्छे विस्तार से पढ़ाएं, जहां से प्रश्न कभी चूकता ही नहीं है, हमेशा आता है, हर साल आता है, हर परीक्षा में आता है, ठीक है। इसलिए फालतू आपको हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ वही आपको सेलेक्टिव स्टडी कराएंगे जो वास्तव में परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी ही मिलता हूं आपके साथ नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।